दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ बेस्ट वाईफाई सीसीटीवी कैमरा का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, जो आपको मिलता है 1200 से 1500 रुपए के रेंज में। एंड ये एक वायरलेस सीसीटीवी कैमरा है जिसको आप अपने ऑफिस में या घर पे लगा करके यूज कर सकते हो। एंड बहुत ही अमेजिंग ये प्रोडक्ट है। आज की इस वीडियो में मैं पूरा इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू शेयर करने वाला हूँ, कैसे यूज करना है, कैसा वीडियो सैंपल है, इसका नाइट मोड कैसे वर्क करता है, वीडियो सैंपल सब चीज आपको दिखाने वाला हूँ। इसलिए अगर आप एक सीसीटीवी कैमरा लेने की सोच रहे हो 2000 रुपए 1500 रुपए के बजट रेंज में अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने ऑफिस पे या होम पे या दुकान पे लगाने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चॉइस हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। चलो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निमेश, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों ये सीसीटीवी कैमरा मैंने ऑनलाइन परचेज किया है Amazon से, एंड बहुत सारे इसके मॉडल्स अवेलेबल है मार्केट में। सेम आपको दिखने वाला सीसीटीवी कैमरा ना अलग अलग सेलर के पास मिल जाएगा, इसलिए बेस्ट बाय लिंक जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लेना चाहोगे तो लास्ट में जाकर के ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस तरीके के बॉक्स में आता है, बिना देरी के इसे अनबॉक्स करते हैं, फिर इसके रिव्यू पे आएंगे। तो चलो इसके सील को कट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा बॉक्स में ये आया हुआ है। तो ये रहा गाइस बॉक्स के अंदर बॉक्स। तो ये रहा गाइस, आप देख सकते हो हमारा वाईफाई स्मार्ट नेट कैमरा, यानी कि वाईफाई सीसीटीवी कैमरा जो वर्क करता है इंटरनेट के थ्रू। एंड इसको आप लगाओगे, वाईफाई से कनेक्ट करके रखोगे, तो आप दुनिया में कहीं भी रहो, इंडिया से बाहर भी रहो, आप अपने फ़ोन पे देख पाओगे इसके फुटेजेस डायरेक्टली। इस कैमरा पे आप लाइव व्यू देख पाओगे, जहाँ भी आपने इसे लगा रखा होगा उस एरिया पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सारी चीज़ आप कहीं से भी देख सकते हो। ये है फायदा है वाईफाई सीसीटीवी कैमरा का। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इसका बॉक्स ओवरव्यू दे देता हूँ। व्हाइट एंड ब्लू कलर का ये बॉक्स आप देख सकते हो, स्क्वायर साइज का ये आपको बॉक्स मिल जाएगा। वाईफाई स्मार्ट नेट कैमरा, इजी टू अचीव रियल टाइम रिमोट व्यूइंग, यानी कि इसमें आप रिमोटली दुनिया में कहीं से भी रह के देख सकते हो। नीचे आपको बहुत सारे फंक्शंस नजर आएंगे, जैसे आप देख सकते हो IR कट का इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है, वायरलेस है, फोन मॉनिटरिंग है, आप इसे अपने आईफोन से भी यूज कर सकते हो कनेक्ट करके, एंड साथ ही साथ अपने एंड्रॉइड फोन में भी इससे कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। TF स्टोरेज, यानी कि इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगता है, पैन एंड टिल्ट का ऑप्शन है, एंड टू वे इंटरकॉम है, इससे आप बात भी कर सकते हो। अगर आप घर पे नहीं हो और कोई आपके घर पे डोर पे आया हुआ है एंड आपको उनसे बात करना है ना, तो आप सिंपली इसके मोबाइल फोन पे जो भी बोलोगे, इस सीसीटीवी के अंदर जो स्पीकर है उससे आवाज़ आने वाला है। तो अगर आप अपने रूम पे दरवाजा पे कहीं लगा दोगे ऊपर ना, तो कोई अगर आपके गेट पे आएगा तो आप बोल सकते हो हाँ मैं घर पे नहीं हूँ, या फिर अगर आपको कोई कुरियर वाला आ जाता है, हाँ पार्सल को नीचे रख दो भाई यहाँ पे, मैं भी घर पे नहीं हूँ, आके ले लूँगा, एंड आप सीसीटीवी से मॉनिटर कर सकते हो। स्मार्ट क्लाउड का ऑप्शन है, अगर आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं भी लगाते हो, इसके स्मार्ट क्लाउड का मेंबरशिप लेते हो, तो आप ना क्लाउड इसके अंदर रिकॉर्डिंग सेव होने वाली है। इसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं भी लगाओगे तो भी जो रिकॉर्डिंग सेव होंगी वो क्लाउड रिकॉर्डिंग सेव होगी, क्लाउड स्टोरेज आपको मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बॉक्स के राइट साइड पर आ जाएंगे, स्मार्ट वाईफाई स्मार्ट नेट कैमरा, इसका मॉडल नंबर है V380 Pro, एंड नीचे आपको QR कोड मिल जाएगा कनेक्ट करने के लिए। नीचे आपको इनपुट मॉडल देखने को मिल जाएगा, 6 volts 1 ampere का है, एंड बाकी सारे यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शंस है। बैक साइड पे भी सेम वही चीज लिखा हुआ है, एंड लेफ्ट साइड पे सपोर्ट फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, व्यू योर वर्ल्ड फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, यानी कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे ये काम करता है, आप अपने फोन पे, डेस्कटॉप पे, नेट पे, कहीं से भी आप इसे लॉग इन करके देख सकते हो। तो इस तरीके का बॉक्स है। चलो बॉक्स को ओपन करते हैं एंड निकालते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हमें बॉक्स कंटेंट देखने को मिल जाता है। सो गाइस बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें कुछ देखने को मिलता है, वो है V380 का प्रोडक्ट मैनुअल। अगर आप इसे पढ़ोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। अगर आपको कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो आप एक बार इसके यूज़र मैनुअल को पूरा अच्छे से रीड कर लेना, फिर आपको इसे यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। हालांकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा हमारा सीसीटीवी कैमरा कुछ इस तरीके से पैक किया हुआ है। चलो इसे निकालते हैं यहाँ पे, एंड वाओ यार कितना अमेजिंग सा इसका लुक है, आप देख सकते हो। देखो ये एक 360 डिग्री वाईफाई कैमरा है, यानी कि इसका जो हेड है फुल यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट रोटेट करता है, एंड ये आराम से राइट की ओर भी रोटेट करता है। इसे आप रिमोटली कनेक्ट कर सकते हो। पैन एंड टिल्ट का भी फंक्शन दिया गया है, टिल्ट अप एंड टिल्ट डाउन, जहाँ आप जो भी देखना चाहते हो इसमें आप कर सकते हो। यार काफ़ी कम रेंज के इस सीसीटीवी कैमरा के अंदर आपको 360 डिग्री घूमने का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। इसके अंदर वाईफाई है एंड इसके अंदर टिल्ट का भी ऑप्शन है, जो यूजुअली आपकी इस रेंज के वाईफाई कैमरास पे देखने को नहीं मिलता है। डबल एंटीना आपको देखने को मिल जाएगा, हालांकि इसके ऊपर डिटेल में आएंगे और देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिल जाते हैं। तो कुछ कुछ और चीज़ें हैं, एंड गाइस आपको एक वॉल माउंट मिल जाएगा जिसको इसके बेस पे इस तरीके से लगा करके लॉक करना पड़ता है, एंड उसके बाद आप इस सीसीटीवी कैमरा को कहीं भी अपने वॉल पे माउंट कर सकते हो, जहां भी आपको लगाना है, या सीलिंग पे माउंट करना है, जहां भी आपको लगाना है, आप इस तरीके से लगा करके इसे फिक्स कर सकते हो। देखो
इसे जब मैं वॉल पे माउंट करूंगा ना, तो उस टाइम पे आपको दिखा दूंगा कैसे उसे यूज करना है। फिर हमें मिलता है एक पावर अडेप्टर इसके साथ, जो आप कोई भी चार्जर यूज कर सकते हो, लेकिन इनपुट होना चाहिए 5 वोल्ट 2 एम्पियर मैक्सिमम, यानी कि 10 वाट के चार्जर से ज्यादा फास्ट चार्जर को यूज मत करना। एक आपको मिल जाएगा इसके अंदर माइक्रो यूएसबी केबल, टाइप ए टू माइक्रो यूएसबी केबल, यानी कि आप चाहोगे तो इसे आप पावर बैंक से भी चला सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, मोबाइल फोन के चार्जर से, किसी से भी चला सकते हो, जिससे भी आप चलाना चाहो। एंड लास्टली हमें कुछ स्क्रूज देखने को मिल जाते हैं इसे वॉल पे माउंट करने के लिए। तो चलो सारी चीज़ों को करता हूँ बॉक्स में पैक एंड आते हैं हमारे V380 Pro CCTV कैमरा के ऊपर डिटेल में। तो गाइस अब आ जाते हैं CCTV कैमरा के फिजिकल ओवरव्यू पे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका लुक दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से ये व्हाइट कलर में आता है एंड ऊपर वाले हेड पे आपको ये जो कैमरा देखने को मिल रहा है ये पूरा 360 मूव होता है, यानी कि ये लेफ्ट टू राइट पूरा आप घुमा सकते हो एंड साथ ही साथ इसे आप टिल्ट अप एंड टिल्ट डाउन भी कर सकते हो। तो अगर आपको ऊपर देखना है, नीचे देखना है, इस कैमरा को कंट्रोल किया जा सकता है। फ्रंट में आपको जो यहाँ पे LEDs की तरह ये जो नज़र आ रही है ना, ये इंफ्रारेड लाइट्स हैं जिनके वजह से ये रात में नाइट विजन जो है इसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। यहाँ पे ब्लू कलर का आपको हल्का सा रिंग की तरह देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको माइक्रोफोन का होल देखने को मिलेगा, यहाँ पे कंपनी का ब्रांडिंग है, हालांकि बहुत ही जेनरिक प्रोडक्ट है, बहुत सारे ब्रांड्स अपने अपने नाम लेबल यहाँ प्रिंट करके आपको सेल कर रहे हैं। कैमरा के लेफ्ट साइड की ओर आ जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको इसका डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। बैक साइड में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल जाता है डुअल एंटीना, जिससे क्या होगा ना, अगर आप इसे वाईफाई में कनेक्ट करोगे तो अगर आप थोड़े दूर में भी रखोगे तो इसमें अच्छे कनेक्टिविटी, अच्छे रेंज या अच्छे सिग्नल को कैप्चर कर पाए, इसलिए इसमें आपको डुअल एंटीना देखने को मिलता है। कैमरा की बात करें तो कैमरा पे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक स्पीकर देखने को मिलता है जिससे आप यहाँ पे 2-way इंटरकॉम यहाँ पे इसे यूज कर पाओगे, आराम से बात कर पाओगे। कैमरा के नीचे साइड पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक लैन पोर्ट देखने को मिलेगा, अगर आप इसे अपने ऑफिस में लगा रहे हो, अगर आप इसे अपने राउटर से डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो ना बिना वाईफाई के, तो आप डायरेक्टली लैन केबल को इसमें लगा देना, उससे क्या होगा इसे 24/7 इसके अंदर इंटरनेट सप्लाई आता रहेगा। रिसेट करने का एक बटन देखने को मिलेगा, जब भी आपको डिवाइस को रिसेट करने का जरूरत पड़ेगा तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिलेगा जिससे इसे पावर देना पड़ेगा, इसके साथ जो चार्जर एंड वायर आता है उससे, या आपके पास कोई भी 10 वाट का चार्जर है उससे आप यूज कर सकते हो। एंड आपको जो एंटीना बैंड देखने को मिलता है इसको आप इस तरीके से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी घुमा सकते हो, अगर आप चाहो तो इस तरीके से इसे लगा सकते हो जहां आपका ये कन्वीनियंट रहे जिस भी स्पेस पे। आ जाते हैं नीचे साइड की ओर तो यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बस वेंटिलेशन देखने को मिलेगा अच्छे तरीके से, यहाँ पे आपको यहाँ पे होल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये था गाइस इस कैमरे का फिजिकल ओवरव्यू। एंड वेट की बात करूँ ना तो बहुत ज्यादा लाइट वेट है, 300 ग्राम्स के अराउंड इसका वेट होना चाहिए। क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी भी आपको एवरेज सा अच्छा सा क्वालिटी यहाँ देखने को मिल जाता है। कैमरा को जैसे आप टिल्ट अप करोगे ना, नीचे में आपको यहाँ पे कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर मेमोरी कार्ड लग जाएगा अप टू 128 GB का इसमें कैमरा लग जाएगा, मेरे पास जो वेरिएंट है एंड इसका 64 GB वाला भी आता है, तो अलग अलग वेरिएंट का आता है। ये जो कैमरा है ये 1080 पिक्सल्स फुल HD रिकॉर्डिंग वाला है, एक इसका आता है 720 पिक्सल्स वाला। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको जिस प्राइस में जो चाहिए वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। तो चलो इसे ऑन कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इसे अगर आप यूज करना चाहते हो ना, सिंपल करना क्या, आपको इसके डेटा केबल को इस तरीके से ओपन कर लेना है। वायर की लेंथ बोलूं तो 1 मीटर के अराउंड आपको वायर मिल जाता है, काफी लंबा है, अच्छा खासा आपको वायर देखने को मिलता है, इसको यहाँ पे इस तरीके से फिट कर दो। एंड ये जो हमारा माइक्रो यूएसबी जैक है ये हमारा चले जाएगा कैमरे के पीछे, कैमरे के पीछे कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है। एंड जैसे आप इसे अपने इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड पे लगाओगे या कहीं भी लगाओगे तो आपको इसके थ्रू पावर सप्लाई मिलने लगेगा कैमरे को। एंड कैमरा 1 मिनट के अंदर कुछ ये टर्न ऑन होने में टाइम लगाता है, सारा इसमें कॉन्फ़िगरेशन होने में टाइम लगता है। अभी मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा, इसे मैं आपको यूज करके दिखाने वाला हूं पावर बैंक से। तो चलो पावर बैंक से इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये रहा गाइस मेरा MI का पावर बैंक, इसमें सिंपली इसे कनेक्ट कर देंगे, देखना ये स्विच ऑन किस तरीके से होता है। सिस्टम इज स्टार्टिंग करके एक टोन बजा, अब देखना क्या होता है। ये रहा, ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर रहा है ये सारे डायरेक्शन में। तो इसने कहा सिस्टम टर्न ऑन कंप्लीटेड, ये सिस्टम है पूरा कॉन्फ़िगर ऑन हो। देखो एक्सेस पॉइंट प्रिपेयर किया, एक्सेस पॉइंट रेडी हो गया, अब ये बिल्कुल रेडी है मोबाइल फोन से एंड वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए। एंड अभी फुल लाइटिंग की वजह से यहाँ पे इंफ्रारेड लाइट कुछ भी नहीं जल रहा है, इंडिकेशन नहीं जल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अंधेरा कर दूंगा ना तो इसका यहाँ पे जो लाइट है वो ऑन हो जाता है। अगर अभी आप देख पा रहे हो मेरे हाथ के अंदर तो देख सकते हो, ये जब इसको लाइट सफिशियंट नहीं मिल पाएगा तो इसका इंफ्रारेड जो है वो ऑन हो जाता है एंड इसका नाइट मोड ऑन हो जाता है।
तो इस कैमरे को किस तरीके से अपने फोन से कनेक्ट करना है ना, इसके ऊपर मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस आएंगे, 30 डेज यूजर रिव्यू, कैसे फोन से कनेक्ट करना है, ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसलिए चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो कर लेना, इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे देखने को। सो गाइस, V380 जो ये हमारा कैमरा है, इसे कनेक्ट करने के लिए ना हमें एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने एंड्रॉइड फोन पे या एप्पल फोन पे, जो भी आपका मोबाइल फोन है। एंड इस पे करेंगे क्या, इस पे चले जाएंगे, सर्च करेंगे V380 Pro नाम का इसका जो एप्लीकेशन है, V380 Pro। इस एप्लीकेशन को आपको अपने फोन पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ना देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको ये वाईफाई आपको ओपन हो जाएगा। एंड इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक पोस्ट करने का। अगर आप पोस्ट कर दोगे तो इसके अंदर आप कितना भी मूवमेंट करो, देखो यहाँ पे ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। फिर प्ले करोगे एंड उसके बाद इसके आगे जो भी होगा आपको यहाँ पे स्क्रीन में नजर आएगा। देखो मैं दो उंगली दिखा रहा हूँ, ये रहा दो उंगली। अब ये क्या है ना, ये आपके कैमरा के ऑडियो को आपके फ़ोन में शो कर रहा है। अगर आपको बोलना है तो यहाँ स्पीक का बटन दिया गया है, जिससे इसका ऑडियो मोबाइल फ़ोन से कैमरा पे आएगा, लाइक दिस। हाय, पहले परमिशन दे देना, अलाउ कर देना। हेलो, ये एको होगा क्योंकि दोनों सामने हैं, तो आप समझ लो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हाय, इस तरीके से आपका ये परफॉर्म करेगा। यहाँ पे आपको HD मोड और HD मोड दिख जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो HD मोड पे आपको ज़्यादा क्लियर दिखने वाला है, हाई डेफिनेशन में दिखेगा, और HD करोगे तो आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन में दिखने वाला है। इसको ग्रिड को क्लिक करोगे तो यहाँ पे 4, 5, 6 जितने भी आपको ऐप कैमराज आपको कनेक्ट करने हैं, आप यहाँ पे अलग अलग एंगल पे जो आपने लगा रखा है वो आपको यहाँ पे शो होगा। फिलहाल हमने एक लगा रखा है तो हमारा एक ही कैमरा शो करेगा। लेफ्ट राइट से आप अलग अलग कैमरा स्क्रीन पे स्विच कर सकते हो। इसको क्लिक करके आप फुल स्क्रीन पे जा सकते हो एंड फुल स्क्रीन पे फुटेज कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब नीचे आपको अलार्म का ऑप्शन नजर आ रहा है गाइस, इसे क्लिक करेंगे ना, आपकी CCTV कैमरा से 30 सेकेंड के लिए एक अलार्म बजेगा, साइरन बजेगा, अगर आप किसी को अलर्ट कराना चाहते हो। ये था इसका ओवरव्यू। नीचे आपको कुछ कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक आपको स्नैपशॉट का ऑप्शन दिखेगा। जैसे मैं क्लिक कर दूंगा ना तो इस पर एक फोटो क्लिक हो जाएगा जो आपके फोन में सेव हो जाएगा, लाइक दिस। द स्नैपशॉट हैज बीन सेव्ड इन योर एल्बम, यानी कि इस एप्लीकेशन का जो हमारा फोल्डर बनेगा मोबाइल फोन के अंदर, अब उसके अंदर ये स्क्रीनशॉट, ये जो फोटो हमने क्लिक किया वो सेव हो जाएगा। रिकॉर्ड का बटन मिल जाएगा, अगर मैं रिकॉर्ड पे क्लिक कर दूंगा ना तो अब क्या है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको शो करेगा इस कैमरा पे, जितना भी चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये सब चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है मेरे मोबाइल फोन पे एंड इसके फोल्डर पे, मैं देख पाऊंगा सारी रिकॉर्डिंग को। यहाँ पे आपको हल्का सा लैग देखने को मिलेगा वाईफाई कनेक्शन की वजह से। एंड रिकॉर्डिंग फिर से बंद कर दोगे तो ये हमारे एल्बम में सेव हो चुका है। आपको स्पीक का बटन मैंने बता दिया, रिप्ले का बटन यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो इसके पूरे रिकॉर्डिंग्स पे आप आ जाओगे, जो भी आपके यहाँ पे आपके सेव हुए हुए हैं। तो मैं दिखाता हूँ, माइक्रो SD कार्ड पे चलते हैं। एंड ये रहा, ये अभी रिकॉर्डिंग प्रोसेस पे है। इसके अंदर इसे जब आप वाईफाई से कनेक्ट करोगे, इसके अंदर मेमोरी कार्ड डालोगे ना, तो ये डायरेक्टली रिकॉर्डिंग करना शुरू हो जाता है। एंड बाकी जब यहाँ से रिकॉर्ड स्नैपशॉट करोगे, ये आपके मोबाइल फ़ोन पे स्पेशली रिकॉर्ड होगा। अगर आपको अलर्ट मिल जाता है, कुछ आप सेव करना चाहते हो तुरंत, तो आप यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड क्लाउड के अंदर आप जाओगे ना तो आपको यहाँ पे क्लाउड मेंबरशिप लेना पड़ेगा, लाइक परचेज क्लाउड रिकॉर्डिंग। तो इस पर अगर चलेंगे तो सब्सक्रिप्शन का कितना रेट से वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये रहा, इट कॉस्ट ओनली $0.01 टू परचेज नाउ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 सेंट लगने वाला, ये कह रहे हैं। तो इसको आप डिटेल में देख लेना, अगर आपको रिकॉर्डिंग लेना है क्लाउड तो आप ले सकते हो, मैं नहीं ले रहा हूँ फिलहाल, मैं चलाऊंगा इसे मेमोरी कार्ड पे ही। यहाँ पे आपको टाइम भी शो करने वाला है, कितने टाइम का रिकॉर्डिंग है, जो हमने तभी से शुरू किया है वो सारे रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे ये सेव हो चुके हैं, जो अभी तक हमने यहाँ पे इस वीडियो को बनाया है। ऊपर में आपको यहाँ पे डेट शो कर रहा है, देख सकते हो 20 नवंबर 2022 एंड रात के 22 मतलब 10:32 हो रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हो, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको करना है। मोर पे चलेंगे, मोर पे देख लेते हैं लास्टली क्या क्या है। यहाँ पे आपको इन्वर्जन का ऑप्शन मिल रहा है, तो अगर आप इसे मान लो अपने सीलिंग पे उल्टा करके लगाए हो इस तरीके से, तो इसका वीडियो तो आपको उल्टा दिखेगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आप इसको क्या करना है ना, यहाँ पे इन्वर्जन बटन को क्लिक कर दोगे तो आपका रिकॉर्डिंग जो है वो सीधा हो जाएगा। देखो कैमरा भले हमारा उल्टा है, लेकिन रिकॉर्डिंग हमारा सीधा हो चुका है। प्रीसेट PTZ का ऑप्शन है, मोशन ट्रैकिंग का इसके अंदर बहुत अच्छा फीचर दिया। अगर आप ऑन कर दोगे ना, तो अगर आपने यहाँ पे जो भी इसका एंगल सेट कर रखा, तो उस एंगल पे कोई अगर चल के जाएगा या कुछ भी मूवमेंट होगा ना, ये उसे तुरंत उसके ट्रैक कर लेगा, इसका जो मूवमेंट दिया गया है उसे मूव करेगा। जैसे मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ सैंपल। फिर मोर पे चलेंगे, PTZ कैलिब्रेशन का भी आपको ऑप्शन मिलता है, जिसमें ये घूमता है, ऊपर नीचे होता है, कैलिब्रेट होता है अगर इसका सेटिंग गड़बड़ हुआ है तो। एंड इसी तरीके से गाइस, अगर इसके ऐप पे आप और भी कैमरास ऐड करते हो ना, तो अलग अलग नेम से ऐड कर सकते हो, आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट दिखने वाला है। तो
तो इस पर अगर मैं प्ले करूंगा देखो, एंड इसके जो व्हील को आपको देखने को मिल रहा है ना ऊपर नीचे लेफ्ट राइट वाला, इससे आप ना इसके मूवमेंट को यहाँ पे आप कर सकते हो। देखो जैसे मैं ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका कैमरा ऊपर हो रहा है, देखो मैं इसे टच भी नहीं कर रहा हूँ। देखो अगर मैं चाहूंगा पूरा इसे घुमा देना तो ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर ये नहीं जाएगा, पूरे टॉप 90 डिग्री एंगल पे ये अभी सीधा रिकॉर्डिंग कर रहा है। एंड अगर मैं चाहूंगा इसे नीचे करना, देखो काफी क्विक रिस्पॉन्स है। देखो इसे राइट करना चाहूंगा तो इस तरीके से ये राइट ले लेगा। देख लो आप, आज मेरा रूम का स्टूडियो का आप हल्का फुल्का स्नीक पिक ले सकते हो, ये रहा। एंड अगर मैं पूरा इसे लेफ्ट करना चाहूंगा 360 डिग्री, देखो अभी ये वापस आएगा कुछ इस तरीके से। तो गाइस कुछ इस तरीके से इसके मूवमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड अगर आपको लगे कि नहीं कहीं पे मुझे किसी चीज़ को देखना है तो इस तरीके से आप करके यहाँ देख सकते हो। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरे रूम पे, मेरे लैपटॉप पे, यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ जूम करना चाहूँगा ना तो यहाँ पे ऐसे डबल टैप करके मैं कहीं पे भी इसे स्लाइड करके जूम करके देख सकता हूँ क्या रिकॉर्डिंग हो रही है। देखो ये रहा, कुछ इस तरीके से यहाँ साइड पे मेरे लैपटॉप पे मेरा वॉइस रिकॉर्ड होता है, स्पेशल प्रोफेशनल माइक जो मैंने लगा रखा है उसके लिए। एंड फिर से इसे आप वापस एंगल पे लाओ कुछ इस तरीके से। और गाइज अगर आपको वाईफाई से कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है ना तो प्लस बटन पे जाना एंड क्या करना ना, यहाँ पे आपको ऐड डिवाइस आईडी का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ना देखो क्या बोल रहा है कि प्लीज स्कैन द QR कोड ऑन द बैक ऑफ द बॉटम डिवाइस, ठीक है। या फिर आपको अगर स्कैनिंग नहीं हो पा रहा है तो स्कैनिंग के जगह जिसका जो नंबर दिया गया है ना वो नंबर आप यहाँ पे लिख करके आप आगे सेम प्रोसेस को कर सकते हो जिससे मैंने आपको कनेक्ट करके दिखाया। तो यहाँ पे आप सिर्फ क्या कर सकते हो, अगर आपका स्कैन करके काम नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे डिवाइस आईडी टाइप करके भी कनेक्शन कर सकते हो अपने कैमरा को। यहाँ पे आपको अलार्म का जो फीचर दिया गया है, मोशन डिटेक्शन का फीचर दिया गया है ना, अगर आप इसे कहीं पे लगा के रख रहे हो और अगर आपके ऑफिस पे रूम पे कुछ भी मूवमेंट हो रहा है ना या आपके फोन पे तुरंत नोटिफिकेशन भेजता है एंड वो नोटिफिकेशन में आपको स्नैपशॉट दिख जाएगा, फोटो दिख जाएगा या वीडियो दिख जाता है कि क्या मूवमेंट हुआ है, क्या एक्टिविटी हुआ है। यहाँ पे 3 डॉट्स को क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ना सेटिंग्स शेयर एंड डिलीट का ऑप्शन है, सेटिंग्स पे चलेंगे। अगर आप डिलीट करना चाहोगे तो डिलीट कर दोगे तो ये डिवाइस हट जाएगा आपके डिवाइस से, आपके मोबाइल फ़ोन से। सेटिंग्स के अंदर ना आपको जनरल का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें नाम लिखा हुआ होम, नाम आप चेंज करना चाहो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको नेटवर्क दिखाई देगा, अगर आपको दूसरे वाईफाई से कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आप सिंपली चेंज कर सकते हो वाईफाई नेटवर्क को। पासवर्ड यहाँ पे आप अपना क्या कर सकते हो, ऊपर में अपना जो आपका ओल्ड पासवर्ड था वो डालना एंड फिर न्यू पासवर्ड को दो बार डाल देना तो यहाँ पे आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। डिवाइस टाइम का ऑप्शन आ रहा है तो इस टाइम जोन को ना आप अपनी कंट्री के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे इंडिया कर देता हूँ, देखो इंडिया आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे एंड अब क्या है, हमारा टाइम जो है बिल्कुल एक्यूरेटली यहाँ पे शो करेगा। फिर सेटिंग्स में चलते हैं, यहाँ पे आप फर्मवेयर वर्जन है इस पर क्लिक करोगे तो इसका कोई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आया है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो करेंटली ये फुल लेटेस्ट है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अलार्म सेटिंग के अंदर आप अलार्म ऑन एंड ऑफ कर सकते हो जो मैंने बाहर ही बताया आपको। रिकॉर्डिंग सेटिंग के अंदर आना बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है रिकॉर्डिंग सेटिंग। इसके अंदर अभी आप देख सकते हो हमारे 32 GB के मेमोरी कार्ड में कितना परसेंट स्पेस खाली है, तो अभी 99% जो स्टोरेज है वो अभी खाली है, बचा हुआ है। यहाँ पे कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर रखा है, शुरू में जब आप करोगे तो ये ऑफ रहता है तो इसको ऑन कर लेना। इवेंट रिकॉर्डिंग भी ऑन कर रखा है, रिकॉर्ड ऑडियो भी ऑन कर रखा है। अगर आप ऑडियो बंद कर दोगे ना तो आपको ज़्यादा दिन का रिकॉर्डिंग मिलने वाला है क्योंकि वो स्पेस कम खाएगा, लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग ऑडियो को भी चाहते हो, ऑडियो भी रिकॉर्ड करें तो उसमें थोड़ा स्पेस कंज्यूम करता है तो कंपेरेटिवली आपका 1-2 दिन शायद रिकॉर्डिंग कम हो। लेकिन यहाँ पे मैंने सब ऑन कर रखा है एंड वीडियो क्वालिटी आप HD एंड SD पे क्लिक कर सकते हो। तो हाई डेफिनेशन पे 32 GB पे कितना दिन रिकॉर्ड कर पाता है कंटिन्यूसली एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे कितना कर पाता है, इसके लिए मैं आपको जब इसका यूजेज रिव्यू दूंगा 15-30 दिन का तब मैं आपको बता पाऊंगा। तो यहाँ पे कुछ ये फीचर्स हैं, आपको जो भी क्वालिटी में वीडियो चाहिए 720 पिक्सल्स को कहते हैं HD और 1080 पिक्सल्स को कहते हैं HD। तो मैं इसे HD पे कर दूंगा, HD मैंने बंद कर रखा है। यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मेमोरी कार्ड को आपका अगर काम नहीं कर रहा तो एक बार फॉर्मेट कर लेना, 32 GB का यहाँ पे क्या फॉर्मेट है, 64 GB का क्या है एंड क्लास 4 के बाद वाले मेमोरी कार्ड ये सपोर्ट करता है। एंड यहाँ पे बोला गया है कोई भी पुराने मेमोरी कार्ड्स या इन्फीरियर खराब क्वालिटी के लोकल क्वालिटी के मेमोरी कार्ड्स मत लगाना वरना डिवाइस ख़राब हो सकता है। ये सारे सेटिंग्स मैंने कर दिए हैं और सेटिंग्स के अंदर चलेंगे। सेटिंग्स के अंदर वैसे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बचा नहीं है। यहाँ पे ऑटो पेट्रोलिंग का आपको ऑप्शन नजर आता है, यहाँ पे आप अलग अलग एंगल्स को यहाँ पे आप सेलेक्ट करके रख सकते हो, अलग अलग एरिया को अगर आप अपने टॉप एंगल से कहीं पे ले रहे हो। एंड यहाँ पे क्या है ना, PTZ का स्पीड सेटिंग है, जब आप इसे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करते हो ना तो बहुत ही फास्ट करता है अगर आपको लगता है, तो आप यहाँ से उसकी स्पीड को कम कर सकते हो। जैसे वो 8 में था मैंने 5 कर दिया
एंड इसको भी मैं 5 कर दूंगा। बैक चलते हैं। अब क्या है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अब ये जो मूवमेंट कर रहा था ना, बहुत फास्ट कर रहा था, अब वो थोड़ा स्लो करेगा। देखो तभी बहुत ही फास्टली कर रहा था, इसी तरीके से आप इसे स्पीड को कम कर सकते हो, वहाँ पे कुछ इस तरीके से। फिर से इसे लाते हैं अपने सेंटर पे, देखो नीचे से ऊपर। इसे क्या है, थोड़े थोड़े एरिया पे मूवमेंट होगा जैसा आप चाहोगे। अब एक काम करते हैं कि इसके सैंपल्स में चलते हैं, मैं आपको डे एंड नाइट सैंपल दोनों दिखाऊंगा एंड किस तरीके से इसका मोशन ट्रैकिंग भी काम करता है सब चीज़। चलो मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ, तो चलो चलते हैं सीधे इसके वीडियो सैंपल्स पर। तो गाइज अभी जो आप ये वीडियो सैंपल देख रहे हो ना, ये मैं शूट कर रहा हूँ सुबह को एंड आप देख सकते हो 1080 पिक्सल्स पे ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरे स्टूडियो का, ये सेटअप का आप देख सकते हो वीडियो। एंड क्वालिटी की बात करो तो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन क्वालिटी काफ़ी डिसेंट सा है। आप आसानी से यहाँ पे देख के पता लगा सकते हो कि कौन बंदा या बंदी है, आइडेंटिटी क्लियर है पूरा। आप देख सकते हो फेस की डिटेल्स अच्छे से देख पा रहे हैं एंड पीछे आप देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ है, उसके टेक्स्ट भी आप पढ़ पाओगे, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये मैंने आउटडोर में लगा रखा था, ये दीवार के ऊपर मैंने रखा हुआ था एंड आउटडोर में कुछ आपको इस तरीके का क्वालिटी देखने को मिलेगा। एंड सच में टू बी ऑनेस्ट, इतने कम प्राइस के कैमरा पे ना इतना अच्छा क्वालिटी मिल पाना एंड ये चीज़ देख करके मैं सच में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने इससे महंगे कैमरास देखे हुए हैं। आपका जब DVR वाला सेटअप आता है 10,000-12,000 रुपए में, किन्होंने लगाया हुआ है अपने घर पे, बट उनका भी क्वालिटी इतने क्लियर से नहीं आता है। ये मैं बाहर में आपको दिखा रहा हूँ, जब मैं डायरेक्ट सनलाइट पे खड़ा रहूँगा या फिर आऊँगा तो आपको पता चल पाएगा कि नहीं कि कौन था। तो ये आप लाइव सैंपल देख सकते हो, अभी मैं ऑलमोस्ट 35 मीटर्स जितने दूर हूँ कैमरा से, लेकिन आप देख सकते हो कितना अच्छा इसके अंदर आपको क्वालिटी देखने को मिल जाता है। सो गाइज देख सकते हो मैंने अपने स्टूडियो के पूरे लाइट्स को ऑफ कर दिया है एंड इसके ऊपर आप जो देख सकते हो रेड कलर का जो लाइट जल रहा है ना, ये इसका इंफ्रारेड एक्टिव है, नाइट मोड एक्टिव है। एंड आप देख सकते हो पूरे अंधेरे वाले मेरे सेटअप पे, पूरे यूट्यूब सेटअप पे, पूरे रूम पे एक भी लाइट नहीं जल रहा है एंड ये किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। आसानी से आप मुझे देख सकते हो, मेरे फेस से आइडेंटिटी आप पहचान सकते हो कि कौन है, देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे आंखों पे एक हल्का सा चमकीला सा डॉट नजर आ रहा है, ये इंफ्रारेड की वजह से होता है। एंड यहाँ पे मैं आपको शूट करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हो कुछ इस तरीके से शॉट आ रहा है, ये रहा। एंड बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ये फंक्शन कर रहा है, देख सकते हो। मैं आपको पूरा रूम दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा फुल रूम यहाँ पे। बस यहाँ पे सेटअप पे थोड़ा लाइट जल रहा है बट कुछ भी नहीं दिख रहा है गाइस, पूरा अंधेरा है, देखो फुल मैंने ब्लैक कर रखा है। एंड ये यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर का इसका इंफ्रारेड लाइट जल रहा है एंड ये बहुत ही आसानी से रात में पूरा क्लियरली देख सकता है। लेकिन क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत सही क्वालिटी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में ना मोशन डिटेक्शन का, यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइस अलार्म ये दे रहा है, यानी कि कुछ एक्टिविटी हुआ ये मुझे यहाँ पे अलर्ट कर रहा है। सो गाइस देख सकते हो अभी मैंने इसको अपनी कार के ऊपर लगा रखा है आउटडोर के लिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आउटडोर में इसका रेंज कितना है, कितने दूर तक ये आसानी से क्लियरली रिकॉर्ड कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोन पे अभी आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ फोन पे किस तरीके से रिकॉर्डिंग शो कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये रहा। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, हाई डेफिनेशन पे चल रहा है फिलहाल। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे कार के ऊपर लगा रखा है एंड ये रिकॉर्ड कर रहा है। इतने दूर पे तो मैं बहुत अच्छे से विजिबल हो पा रहा हूँ, ये रहा, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ। एंड अब करते क्या है ना, काफ़ी दूर चलते हैं, देखते हैं कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मेरा शॉट आने वाला है। देखो मैं कार से दूर जाता जा रहा हूँ एंड आपको यहाँ दिखता जाएगा। सो मैं ऑलरेडी काफ़ी दूर आ चुका हूँ, लेकिन आपको देखो यहाँ पे जो शॉट अभी मैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग अटैच कर रहा हूँ उस पर देखना कितने अच्छे तरीके से आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। सो गाइज ये जो आप फुटेज देख रहे हो ये रिकॉर्ड हो रहा है डायरेक्टली कैमरा से एंड कैमरा पे कुछ इस तरीके का क्वालिटी देखने को मिलेगा। मैं बहुत रात को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड आप देख सकते हो कोई भी लाइट नहीं जल रहा है, बट फिर भी जो इसका नाइट विजन है, इंफ्रारेड जो है, वो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे हर चीज़ को कैप्चर कर पा रहा है आप देख सकते हो। एंड मैं धीरे धीरे बहुत ही पीछे चला जाऊँगा, आप देखना गेट के पास तक मैं ऑलमोस्ट चला जाऊँगा, बट फिर भी इसके अंदर जो इसका कैपेसिटी है कैप्चर करने का, डिस्टेंस रेंज जो मैं कहूँगा ना, बहुत ही अच्छा है। अभी मैं कैमरा से ऑलमोस्ट 25 मीटर्स जितने दूर हूँ एंड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आएगा। ये जो फीचर मैं दिखाने वाला हूँ ना, ये फीचर तो देख के आप कहोगे कि क्या मस्त कैमरा है। इसके अंदर मोशन ट्रैकिंग मिल जाता है, तो जब आपके घर पे कोई चोर अगर एंटर कर जाता है, जैसे कि ये रहा,
तो ये फटाफट उसे कैप्चर करने लगेगा एंड फिर वो जिधर भी मूवमेंट करेगा ना, इसका जो मोशन ट्रैकिंग है उसको पूरा कैप्चर करेगा, फॉलो अप करेगा कि किस एंगल से वो किस एंगल तरफ भाग के गया, या फिर हर एक एंगल पे आप देख सकते हो उसे कैप्चर करेगा। मैं कितने भी साइड आ जाऊंगा ना, ये फटाफट उधर हो जा रहा है। अगर मैं फिर से इधर वापस भाग के आऊंगा तो यहाँ पे आप देखना इसका मोशन ट्रैकिंग कितने अच्छे तरीके से, एक भी थोड़ा मिस नहीं कर रहा है, उसी को फ्रेम पे रख रहा है एंड अच्छे से यहाँ पे कैप्चर कर ले रहा है। सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्या हमारा V380 Pro CCTV कैमरा जो है ये वाटरप्रूफ है। तो ये बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है, कोई भी वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ नहीं आता है। तो अगर इसके ऊपर डायरेक्टली पानी गिरने वाला है ना तो ये ख़राब हो जाएगा। अगर ये आप बाहर लगा दोगे मेन गेट पे रास्ते के बाहर, या फिर अगर आप किसी पेड़ पे लगा दोगे तो ये ना बिल्कुल भी नहीं सह पाएगा, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ नहीं आता है। इसको आप बाहर लगाना चाहोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक उसका सोल्यूशन है, क्या करना, छज्जे के नीचे लगा देना ताकि उसके ऊपर पानी डायरेक्टली ना गिरे। आप इसे बाहर लगा सकते हो, मच्छर से इसको खराबी नहीं होने वाली है, लेकिन डायरेक्ट बारिश में ये भीगेगा तो ये खराब हो जाएगा। ये चीज आप कॉशन दिमाग में रखना इसे लगाने टाइम। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके अंदर आपको क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन है। अगर आपका ये कैमरा आप लगा रखोगे वाईफाई से कनेक्टेड रहेगा एंड इसके अंदर मेमोरी कार्ड आपने लगा भी रखा है। अगर आप मेमोरी कार्ड नहीं लगाए हो और क्लाउड स्टोरेज में रिकॉर्डिंग सेव हो रहा है तो अगर क्या है ना, अगर आपके दुकान पे घर पे कोई चोर आ जाते हैं, सीसीटीवी कैमरा देख लेंगे, तो अगर वो सीसीटीवी कैमरा अगर वो लेके भी भाग जाएंगे ना, तोड़ भी देंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका रिकॉर्डिंग आपके पास प्रूफ सेव रहने वाला है आपके ऑनलाइन अकाउंट में। अगर इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगा कर रिकॉर्डिंग करोगे या किसी भी सीसीटीवी कैमरा पे, तो चोर क्या करते हैं ना, जैसे कि कभी कभी सीसीटीवी और DVR यूनिट को ही लेके भाग जाते हैं, सीसीटीवी को ही लेके भाग जाते हैं जिसके अंदर मेमोरी कार्ड रहता है, तो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए इसके अंदर ये फंक्शन बहुत ही अच्छा है क्लाउड रिकॉर्डिंग का, जिसको मैं यूज करने वाला हूं पर्सनली। तो अब बात करते हैं कि इस सीसीटीवी कैमरा को दीवार पे कैसे माउंट करना है। इसके लिए ना मैं इस वीडियो पे नहीं बताने वाला हूं, ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। अगर आप इस वीडियो पे करते हो 300 लाइक्स का एम कंप्लीट तो मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊंगा कि इससे दीवार पे कैसे आप माउंट कर सकते हो या फिर सीलिंग पे। सो गाइस, कंक्लूजन पे आते हैं। V380 Pro कैमरा जो है ये वायरलेस सीसीटीवी कैमरा जो है, मैं अपने हिसाब से रेटिंग्स दूंगा तो मैं इसे 9.5/10 देने वाला हूं, क्योंकि 1500 रुपए के बजट में आपको इसके अंदर नाइट मोड देखने को मिल रहा है, आपको इसके अंदर वीडियो का क्वालिटी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, 1080 pixels फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, 2-way इंटरकॉम है, यानी कि आप इसके अंदर स्पीकर दिया गया है, बात भी कर सकते हो किसी से चाहो तो, एंड यहाँ पे माइक भी है, तो अगर सामने से आपको कुछ बोलेगा तो आपके फोन पे आप सुन भी पाओगे, आप कहीं भी रहो। मोशन डिटेक्शन का फीचर दिया गया है, ट्रैकिंग का फीचर दिया गया है, अगर ये मोशन ट्रैक करेगा किसी चीज को हिलता हुआ देखेगा तो उस पर डायरेक्टली फोकस आ जाता है। परचेज करना चाहते हो ना, बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके परचेज कर सकते हो। आपके घर के लिए, आपके ऑफिस के लिए, आपके शॉप के लिए, जहां भी लगाना चाहो, आपके लिए बेस्ट वायरलेस सीसीटीवी कैमरा होने वाला है 1500 रुपए के बजट रेंज में। सो गाइस, वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, काफी मेहनत से बनाया मैंने, जरूर कमेंट कर देना, शेयर करना इस वीडियो को सबके साथ एंड जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत।